good morning students i welcome you all to the online classes again on behalf of delhi public school i am taking your online class again due to rampant situation we are not allowed to take offline classes nowadays so we will learn through this online mode This is a course 3 book of English grammar. Chapter 9 Articles A N and the We have already discussed about this lesson earlier. Today I am going to teach you this lesson completely. So let's learn. You know that the letters A E I O एंड यू आर भावल्स मैनी नाउंस बिगिन विद दिस भाविल्स एग्जाम्पल्स आर ऑक्स ऑरेंज ओल एंड एप्पल अम्ब्रेला ईयर आई आइसक्रीम एंड ईगल जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो लेटर्स दिए गए हैं जो अक्षर दिए गए हैं ए, ए आई और यू इसे हम लोग भाविल्स कहते हैं बहुत सारा जो नाउन होता है नाउन किसे कहते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन दिस इज़ अ पार्ट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच मैनी नाउन्स बिगिन विद दिस भावल्स बहुत सारा जो नाम होता है वो इन्हीं भावल्स के, के शुरुआत इसी बहुत सारे नाम की जो शुरुआत होती है वो वोवेल्स के जरिए ही होती है कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं ऑक्स ऑरेंज ओल एंड एप्पल अम्ब्रेला ईयर आई आइसक्रीम एंडगल ये जितने सारे वर्ड्स हैं वो किस से स्टार्ट हुए हैं वो भाविल्स से इस्टार्ट हुए हैं ई e, आई e, ओ यू को हम लोग भाविल्स कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वीविन नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स हम लोग सबसे पहले इन वर्ड्स का इन शब्दों का के मायने को जानेंगे के अर्थ को जानेंगे ए ए मिस भी होता है एक एन का मतलब होता है एक दा मिस होता है वह ए और एन दोनों का सेम मीनिंग होता है लेकिन इसका जब हम लोग यूज़ करते हैं वो अलग अलग जगहों पे होता है अलग अलग वक्त में होता है वी यूज़ एन बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विद अ भावल साउंड हम लोग एन का जो यूज़ करते हैं एन का जो इस्तेमाल करते हैं एक नाउन के पहले किसी नाम के पहले करते हैं जो जिसकी शुरुआत किससे होती है भावल साउंड से होती है जब हम लोग भावल साउंड ए ई आई ओ यू वाला अगर हम लोग को साउंड मिलता है तब हम लोग उसके पहले क्या लगाते हैं एन का यूज़ करते हैं एन एंट एक चूटी एन ओल एक उल्लू एन अम्ब्रेला एक छाता एन एप्पल एक सेब एन ईगल एक झील एन आइसक्रीम एक आइसक्रीम एन आई एक आँख सम नाउंस बिगिन विद अ भावल, बट दे बिगिनिंग साउंड्स आर नॉट भावल साउंड सो वी यूज़ ए बिफोर दैम कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनकी शुरुआत भावल के साथ होती है लेकिन उनका जो साउंड होता है उनकी जो आवाज़ होती है वो भावल जैसी नहीं होती है इसलिए हम लोग उसके पहले ए का यूज़ करते हैं ए यूनिकॉर्न यू यूनिकॉर्न यू जो है पहला इसका जो पहला लेटर है वो एक भावल से स्टार्ट हुआ है लेकिन इसके पहले हम लोग ए का यूज़ किए क्योंकि वी आर गेटिंग बिकॉज बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द भावल साउंड ए यूनिकॉन एक सिंग वाला जानवर ए यूनिफॉर्म एक वर्दी ए यूनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय ए यूनियन एक संघ द लेटस्ट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर कॉन्सोनेंट यहाँ जो लेटर्स दिए गए हैं जितने सारे लेटस्ट हैं जितने सारे वर्ण हैं अक्षर है वो क्या है कॉन्सोनेंट consonant है कॉन्सोनेंट्स कहते हैं व्यंजन को वी यूज ए बिफोर ए नाउंड बिगिनिंग विद अ कॉन्सुनेट साउंड हम लोग कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड वाले व्यंजन आवाज़ वाले उन शब्दों के पहले ए का यूज़ करते हैं ए डॉग ए कैट ए माउस ए लायन ए ट्री ए फ्लावर ए मैन ए गर्ल ए बेबी ए टेबल एक कुत्ता एक बिल्ली एक चूहा एक शेर एक पेड़ एक फूल एक आदमी एक लड़की एक बच्चा एक मेज सम नाउंस बिगिन विद अ कंसोनेंट बट दे आर बिगिनिंग साउंड इज़ ऑफ अ भावल वी यूज एंड बिफोर दैम कुछ जो नाम होते हैं वो कॉन्सोनेट से स्टार्ट होते हैं व्यंजन से स्टार्ट होते हैं की शुरुआत व्यंजन वर्ड वाले व्यंजन अक्षर वाले व्यंजन लेटर्स वाले से होती है लेटर्स से होती है लेकिन उनका जो साउंड होता है वो क्या होता है वो भावल साउंड होता है इस वजह से हम लोग उसके आगे एन का यूज़ करते हैं एन आर एन ऑनर एन ऑनेस्ट बॉय एक घंटा एक सत्कार एक ईमानदार लड़का ए एन, एन आर यूज टू रिफर टू एनी थिंग प्लेस पर्सन और एनिमल दे आर नॉट यूज टू शो एनी पर्टिकुलर पर्सन एनिमल थिंग और प्लेस सो दे आर कॉल इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन जो होते हैं ए और एन जो होते हैं उनका इस्तेमाल कोई चीज़ कोई जगह कोई व्यक्ति या कोई जानवर के लिए किया जाता है लेकिन ये लेकिन वह लोग ए और एन जो होते हैं वो किसी ख़ास व्यक्ति जानवर चीज़ या जगह को नहीं दिखाते, क्या के बारे में नहीं बताते हैं तो इस इस वजह से हम लोग इसे इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल फर्स्ट इज़ इनडेफिनिट एंड द सेकेंड इज डेफिनिट आर्टिकल ए एन एंड द ए और एन बोथ हैव सेम मीनिंग बट देयर दे आर यूजेज आर डिफरेंट वी वी पुट ए बिफोर द कॉन्सुनेंट साउंड एंड वी पुट And before the vowel sound. If we are getting the vowel sound, we have to put N. If we are getting the consonant sound, we have to put A. Look at these examples of indefinite articles. The man was riding a bicycle. Madhu ate an apple and an orange. The train was late by an hour. An elephant has a sharp beak. एन ओल्ड हॉर्ंस एट नाइट यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इन डिफेनिट आर्टिकल्स के द मैन वॉज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल आदमी जो है वो साइकिल चला रहा है नंबर टू मधु एट एन एप्पल एन एन एंड एन ऑरेंज मधु जो है एक सेब और संतरा खाई नंबर थ्री द ट्रेन वॉज लेट बाई एन आर ट्रेन जो है एक घंटा लेट है नंबर फोर एन ईगल हैज़ आशा बिग। चील एक तेज चूच रखता है नंबर फाइव एन ओल हंट्स एट नाइट एन ओल ओल कहते हैं उल्लू को एन ओल हंट्स एट नाइट उल्लू जो है रात में शिकार करता है Look at these sentences I met a boy in the park the boy was wearing a hat the hat was very big i met a boy in the park main mein ek mili the boy was wearing a hat लड़का जो है वो क्या पहना हुआ था एक टोपी पहना हुआ था दट वॉज़ वेरी बिग और वो टोपी जो था वो बहुत बड़ा था वी यूज़ द वैन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग एनिमल और प्लेस वी यूज़ हम लोग दा का इस्तेमाल हम लोग दा का इस्तेमाल किसी ख़ास व्यक्ति वस्तु जानवर और स्थान से पहले के लिए करते हैं सो so, दा इज़ कॉल द डेफिनिट आर्टिकल इस वजह से दा को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं किसी ख़ास इंसान किसी खास इंसान चीज़ जानवर या जगह के पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं हेयर आर मोर एग्जाम्पल्स यहाँ और कुछ उदाहरण दिए गए हैं नंबर वन दिस इज़ द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे दिस इज़ boy हु माई मेट yesterday. ये वही लड़का है जिससे मैं कल मिली नंबर टू आई वेंट टू park नियर माई हाउस मेरे घर के पास एक बागीचा मैं अपने घर के पास वाले बागीचे में गई नंबर थ्री

हम लोग जो हैं दा का इस्तेमाल किसी नदी के नाम के पहले किसी पहाड़ के नाम के पहले किसी समुद्र के नाम के पहले किसी इमारत के नाम के पहले या किसी ख़ास किताब के नाम के पहले या ख़ास किताब या ख़ास एक बार न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी करते हैं नंबर वन द गंगाज इज़ अ होली रिवर गंगा नदी जो है वो एक पवित्र नदी है द हिमालज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया हिमालय भारत के उत्तर में है नंबर थ्री द रेड फोर्ट वॉज बुल्ड बाई शाहजहां लाल किले को शाहजहां ने बनवाया था द रामायण इज़ द होली बुक रामायणा जो है रामायण एक पवित्र किताब है द टाइम्स ऑफ इंडिया इज माई फेवरेट न्यूज़ पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़ पेपर का नाम है यहाँ कहा इस सेंटेंस में कहा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया मेरी पसंदीदा अखबार है वी यूज द बिफोर आ होल क्लास ऑफ पर्सन्स places animals or thing we use the before a whole class of persons places animals or thing hum log da ka istemal pure shreni ke vyakti sthan janwar ya chizon ke liye bhi karte hain number 1 the europeans came to india to see the taj mahal यूरोपियंस यूरोपियन European किसे कहते हैं जो यूरोप में रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं यूरोपियंस यूरोपी जो थे वो भारत आए थे ताजमहल देखने के लिए नंबर टू द लायन इज कॉल द किंग ऑफ द जंगल शेर को जंगल का राजा कहा जाता है नंबर थ्री द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल फॉक्स लोमड़ी एक चालाक जानवर है वी यूज़ दिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स हम लोग दा का इस्तेमाल किसी अनोखी चीज़ के नाम के पहले करते हैं नंबर वन द सन इज़ अ स्टार नंबर टू द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट द सन इज अ स्टार सूरज एक सितारा है द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट चांद जो है अपना आकार हर रात को बदलता है इट हैज़ कम्प्लीटेड आई एम गोइंग टू अंडरलाइन सम वर्ड्स विच इज़ हार्ड I'm going to underline some words which are hard, which you have to under which you have to remember it. First word is articles, vowels, consonant, university, union, indefinite. Definite Rivers, Mountains, Oceans, Buildings, Ramayana, Europeans, Unique. Learn these hard words.